हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूं डॉक्टर संगीता और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आरएस वुमेंस हेल्थ पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हेपाटाइटिस के बारे में। हेपाटाइटिस कैसे हो जाता है, हेपाटाइटिस कितने प्रकार का होता है, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब टॉपिक्स पर डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि लीवर हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अंग है। ये हमारी बॉडी में जो भोजन रहता है, जो खाना रहता है, उसको डाइजेस्ट करने का तो काम करता ही करता है, साथ में हमारे शरीर से जो वेस्ट पदार्थ रहते हैं उनको भी बाहर निकालता है, और इसके साथ साथ हमारे प्रोटीन को भी संश्लेषित करता है। इसके साथ जो हेपाटाइटिस रहती है, ये एक प्रकार की बीमारी है जो लीवर से संबंधित बीमारी है, और इसमें लीवर में एक प्रकार की सूजन आ जाती है। अगर हम हेपाटाइटिस का समय रहते इलाज नहीं करते हैं तो आगे चलकर ये लीवर कैंसर, लीवर सिरोसिस और लीवर फेल होने तक का इसका जो परिणाम है वो देखा जा सकता है। इसके साथ ही साथ जो हेपाटाइटिस रहता है, इसमें जो इसके जो कारक रहते हैं, यानी इसके जो पॉजिटिव एजेंट रहते हैं, वो चार प्रकार के वायरस हैं जिनको हम ए, बी, सी और ई के नाम से जानते हैं। जो हेपाटाइटिस ए और ई रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति हेपाटाइटिस ए और हेपाटाइटिस ई से इन्फेक्टेड होता है तो वो दवाइयों के माध्यम से जल्दी रिकवर कर सकता है। और साथ ही साथ जो हेपाटाइटिस ई ए और ई रहता है, ये दूषित भोजन यानी इन्फेक्टेड भोजन और इन्फेक्टेड पानी के माध्यम से फैलता है। इसके साथ ही साथ जो हेपाटाइटिस बी और जो सी रहता है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वायरस हैं, और इसके साथ साथ ये आपके लीवर में सालों साल तक रह सकते हैं और इसमें व्यक्ति को कोई भी लक्षण नहीं आते हैं। इसके साथ ये आपके लीवर को धीरे 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 डैमेज करते रहते हैं, और जब तक इस बीमारी का पता चलता है तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, या फिर ये जो बीमारी रहती है ये लास्ट स्टेज पर होती है। इसके साथ जो हेपाटाइटिस रहता है, ये आपको कोई भी लक्षण इसमें नहीं रहते हैं, और इसके साथ जो हेपाटाइटिस सी रहता है, इसमें अगर जल्दी पता चल जाता है तो लगभग जो मरीज रहता है उसका 3 से 6 महीने तक इलाज चलता है, और इसमें जो व्यक्ति है वो हेपाटाइटिस सी से सही हो सकता है। लेकिन जो हेपाटाइटिस बी रहता है, इसमें अगर बीमारी किसी भी स्टेज पर पता चलती है तो इसको सिर्फ़ एक हद तक रोका जा सकता है, यानी मरीज को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और उसकी दवाइयां जो हैं वो लगातार चलती रहती हैं। लेकिन ये जो हेपाटाइटिस बी रहता है, ये बिल्कुल जड़ से नहीं जाता है। अब हम जानेंगे कि ये जो हेपाटाइटिस बी और हेपाटाइटिस सी रहते हैं, ये किन कारणों की वजह से हो जाती है। अगर जो व्यक्ति है उसको इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ा है तो भी हेपाटाइटिस बी और सी होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके साथ जो व्यक्ति इंजेक्शन के माध्यम से नशीले इंजेक्शन लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उनमें भी हेपाटाइटिस बी और सी होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। इसके साथ साथ जो माँ इन्फेक्टेड रहती है हेपाटाइटिस बी और सी से, उसके बच्चे में हेपाटाइटिस होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। अब हम जानेंगे कि जो हेपाटाइटिस बी और सी है, इससे कैसे बचा जा सकता है। जैसे हेपाटाइटिस बी और सी से बचने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा टीके चला रही है, यानी हेपाटाइटिस बी का टीका लगता है, आप उस टीके को लगवाकर और इस बीमारी से बच सकते हैं। ये टीका बच्चों में जन्म के समय दिया जाता है, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से अगर ये टीका किसी को नहीं लग पाया है तो जो व्यक्ति या जो महिला रहती हैं, जो लड़कियां रहती हैं जिनकी एज 18 साल से कम की है और उनको पहले से हेपाटाइटिस बी का टीका अगर नहीं लगा है तो वो ये टीका लगवा सकती हैं। इसके साथ ही साथ ऐसे लोग जिनमें कोई बॉडी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, जैसे किडनी है, लीवर है, तो वो लोग भी हेपाटाइटिस बी का ज़रूर टीका लगवाएं। साथ ही साथ ऐसे लोग जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर रखते हैं, वो लोग भी हेपाटाइटिस बी का टीका ज़रूर लगवाएं। और साथ ही साथ ऐसे लोग जो इंजेक्शन के माध्यम से ड्रग्स लेते हैं, वो लोग भी हेपाटाइटिस बी का टीका ज़रूर लगवाएं। इसके साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जो अल्कोहल है, स्मोकिंग है,
इसको आपको बिल्कुल छोड़ना है। ये लीवर को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करते हैं और साथ ही साथ ये लीवर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुँचाते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपके हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए बस इतना ही।